सनातन संस्कृति का प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता विषय पर शुक्रवार को ऑडिटोरियम में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा व्याख्यान माला आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी ने न्यास को साधुवाद देते हुए कहा कि आज भारत की चेतना बदल रही है। भारत में ये परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है। भारत ने अपनी अस्मिता को न सिर्फ पहचाना है बल्कि दुनिया को भी अपनी एक नई पहचान दी है। मुख्य अतिथि डॉक्टर कपिल तिवारी, कार्यक्रम के अध्यक्ष वीरेंद्र असाठी और न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र का अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। तदुपरांत अतिथियों ने मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर राकेश मिश्र ने न्यास के कार्यों से अवगत कराते हुए बताया कि न्यास द्वारा हर वर्ष विभिन्न विषयों पर आयोजित की जाने वाली व्याख्यान माला के क्रम में ये छठवां आयोजन है। कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर विनोद रावत ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए इस तरह के आयोजन समाज को नई दिशा देते हैं। अंत में डॉक्टर राकेश मिश्रा ने अतिथि द्वय को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। अपनी परंपरा को समझें, परंपरा के मूल्य को समझें और उन सबको अपने आचरण का, अपने व्यवहार का विषय बनाएं, अपना स्वाध्याय करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी संख्या में इस विषय को सुनने के लिए जो लोगों की जिज्ञासा थी वो देख के बहुत अच्छा लगा। ये तो लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन समझ के उतारें जो भी है अपने जीवन में आचरण करने लायक, उसको पहले समझें और फिर जीवन में आचरण का विषय बनाएं। उसी से मतलब परंपरा जीवंत होती है, फलीभूत होती है, अन्यथा पुस्तकों में होगी, जीवन में तो कहीं होगी नहीं। सेवा न्यास के द्वारा 6वीं व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। समाज में सनातन संस्कृति की भूमिका एवं प्रासंगिकता, इस विषय पर डॉक्टर कपिल तिवारी जो वरिष्ठ लोक संस्कृति के लिए 32 सालों से काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया, उस पर 39 पुस्तकें उन्होंने लिखी। आज सेवा न्यास का उद्देश्य भी यही है कि भारतीय संस्कृति का दुनिया में नाम हो। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब G20 की अध्यक्षता का मौका मिला तो उन्होंने उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना कही और वसुधैव कुटुंबकम ही थीम बैंक बना। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास धन्यवाद देता है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, खजुराहो में भी G20 की बैठकें होंगी और यहाँ पे उन सब कार्यक्रमों में देश दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति का दर्शन कर सकेंगे। हमारे यहाँ चित्रकूट, खजुराहो, भीमकुंड, ओरछा, महोबा आदि आदि अनेक स्थान ऐसे हैं जिनसे हमें इतिहास का गौरव का अनुभूति होती है। आज की व्याख्यानमाला में इन्हीं सब विचारों को हमें सुनने को मिला है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विषय को आप भी जनता में आगे ले जाएं, व्याख्यानमाला को दिखाएं, जिससे और लोग भी प्रेरित हो सकें। इस व्याख्यानमाला को आज लाखों लोगों ने घरों में बैठ के देखा है, कई चैनलों ने सीधा प्रसारित किया है, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।